दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो साइंस के आपके प्रश्न आने वाले हैं ट्रेड वाले, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों वो मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच कवर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दो, ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें से सीधे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है, और आपको बताना है कि वायु क्या है। तो वायु क्या है दोस्तों? एक प्रकार का मिश्रण होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो यूज है दोस्तों किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने दोस्तों इसका यूज किया था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि फूलों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है या उसको क्या कहा जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। और अंगूरों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन है ना, तो फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको फ्लोरिकल्चर दोस्तों कहते हैं। बात कर लेते हैं किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो क्या होता है? बल के हमेशा अनुक्रमानुपाती दोस्तों होता है। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा दोस्तों? न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से किस पर प्लस और किस पर माइनस जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन या आवेश होता है। आपको बताना है किस पर दोस्तों प्लस या माइनस आवेश दोस्तों होता है। तो परमाणु के नाभिक में के अवयव क्या है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संबंध से उसको क्या, जो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ी के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो हमेशा अवतल लेंस का दोस्तों उसका उपयोग किया जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस दोस्तों प्रयोग किया जाता है। याद कैसे करना? जैसे यहाँ पर लिखा दूरदृष्टि, तो दूर क्या बोल रहा मैं? दूर यानी कि ऊ बोल रहा हूँ, दूर यानी कि उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा भिन्न 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 वस्तुओं पर ही क्या हो गए दोस्तों? ये लगे होने के कारण होता है। आपको बताना है कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसको हम किसका नियम भी कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपको बताना है न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है, न्यूटन का दोस्तों जो द्वितीय नियम होता है उसमें आपको बताना है कि वो उससे किसकी परिभाषा निकलती है? तो आप सभी को पता है कि उससे किसकी परिभाषा निकलती है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमेशा दोस्तों आप सभी को पता है कि बल की परिभाषा दोस्तों निकलती है, ठीक है। बल की परिभाषा दोस्तों निकलती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वे विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम कौन सा है? तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। आप सभी को बताना है कि जब कोई नाव में से हम उतरते हैं तो वो पीछे की ओर क्यों धकेल ली जाती है ना। तीसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो तृतीय नियम के कारण दोस्तों ये संभव हो पाता है। 15वां क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक भ्रामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों किसका कथन है? न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन के लिए है। आपको बताना है पॉजिट्रॉन है एक, आपको बताना है धनावेशित ऋणावेशित है ना, या जिस पर कोई आवेश नहीं। तो पॉजिट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? ये कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यह क्या कहलाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री दोस्तों कहलाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं एक्सो बायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन दोस्तों एक्सो बायोलॉजी में दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका प्रमुख अयस्क है? तो किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट दोस्तों मैग्नीशियम का। दोस्तों ये जो अयस्क होते हैं, चाहे वो लोहे के अयस्क हों, चाहे वो आपके एल्युमिनियम के अयस्क हों, यहाँ से प्रश्न दोस्तों कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। आपको बताना दोस्तों कि जो लहसुन है, लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण आती है? तो लहसुन में दोस्तों सल्फर यौगिक होता है जिसके कारण दोस्तों लहसुन में गंध आती है। जल में आसानी से घुलनशील है क्या दोस्तों? नाइट्रोजन। भारी जल क्या है दोस्तों?
भारी जल का आपको फॉर्मूला बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो भारी जल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको हम D2O के नाम से भी जानते हैं। और भारी जल का उपयोग कहाँ मंदक के रूप में किया जाता है, किसका दोस्तों, मंदक के रूप में। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड नहीं है यानी कि रक्त जो होता है हमारा वो कोलाइड नहीं है। उसके बाद